कप का एक और अपसेट देखने को मिल गया और इस अपसेट की शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। न्यूजीलैंड आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो चुकी है, 2 के 2 मैचेस वो हार चुकी है और उसी के साथ वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर गई। हाँ और अब तो न्यूजीलैंड का कोई चांस भी नहीं दिख रहा क्योंकि वेस्ट इंडीज 3 में से 3 जीत चुकी है, अफगानिस्तान 2 में से 2 जीत चुकी है और तीसरा मैच जो उनका पीएनजी से है। और उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज से हारती भी है और पीएनजी से जीत जाती है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो भाई अपसेट तो है भाई बहुत बड़ा कि हाँ आपको सुपर 8 में न्यूजीलैंड जैसी टीम नहीं देखने को मैं तो सिर्फ मिलेगी। इसी चीज को अपसेट मानूंगा कि हाँ न्यूजीलैंड सुपर 8 में नहीं है। हाँ बाकी हाँ वेस्ट इंडीज तो यार, मतलब T20 वेस्ट में इंडीज तो पूरा न्यूजीलैंड की भरजाई डिजर्व सकता करती, है। हाँ बिल्कुल डिजर्व करती है, होस्ट भी है भाई वो। और जिस हिसाब से उनका 2022 वाला छूटा, 2023 वाला छूटा, तो उसके बाद ऐसा कमबैक बनता भी था। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी टीम ने हराया है क्योंकि आपको बैटिंग में कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं होगा वेस्ट इंडीज भाई का। 70 पे 7, हाँ अबे मतलब 70 पे 7 से तुमने जो है इनके 150 बनवा दिए। न्यूजीलैंड हाँ वालों को वहीं डूब के मर जाना चाहिए। सही ये बात कौन सी है। न्यूजीलैंड है यार, मतलब तुमने हाँ बिल्कुल गला दबा दिया। अब तुमने उसके बाद ऐसा छोड़ा, वो तुम्हारे हाँ पैर काट के चले गए। भाई तारीफ इसमें फिर तुम सरफरेन रदरफोर्ड की भी तो तारीफ करूंगा करोगे? भाई, बिल्कुल तूफान तो करूंगा। उसी ने बचाया था पूरे मैच में, जहां पे कोई भी प्लेयर नहीं चला, रसल जैसा गौतम प्लेयर। गंभीर का चेला केला हाँ ना खिलाया, ऐसा हो नहीं सकता। के केकेआर का था ना ये, के आर में बस वही था, वही तो वही। वही जादू है भाई। के आर के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज, मिचल स्टार्क, ये हाँ सारे प्लेयर तो तूफान मचाए रहे हैं, फिलिप सोल्ट, और उसी में सरफरेन रदरफोर्ड 39 बॉल में 68 रन बंदा मार के गया है। और जो वो बहुत क्रूशियल रन होते हैं ना भाई, पूरी टीम को जिताने वाले रन, वो अकेला बंदा मार के गया। और न्यूजीलैंड की तरफ से भाई बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही थी, 3 विकेट ट्रेंट बोल्ट ले गया, 2 लोकी फर्गसन, टिम साउदी का जो चेंज करा था वो भी 2 विकेटें ले गया, हाँ एक तो आपका मिचल वो पिट गया, एक तो आपने जो गलती करी डी सैंटनर, डैनली मिचल को ओवर दे के। हाँ वो बहुत बड़ी हाँ गलती वो थी। एक बहुत में बड़ी 19 गलती दे गया और थी। मिचेल सैंटनर हाँ को सरफेन रदरफोर्ड। यार मतलब लेफ्टी को ना, लेफ्टी के सामने हम भी कहते हैं कि रिस्क ले लो रिस्क ले क्योंकि क्या लो दिक्कत है। देखो पर यार भाई जब, ये एक चीज है, अगर वो मारने के मूड में होते हैं ना, वो कुत्ता बना हाँ, देते और हैं। जब आप देख रहे हो वो बंदा टिका हुआ है और वो रन मार भी रहा है, कि वो अगर लास्ट तक मैच ले गया तो कुत्ता बना हाँ देगा। वहीं वही पे बात जब है, आपका मिचल सैंटनर 3 में शायद 22 रन खा के गया है, 3 में 22। अगर आप उसे एक ओवर दे भी देते, ज्यादा से ज्यादा 2 छक्के खा लेता या 3 भी खा लेता तो चलो 18 ही हो जाते, लेकिन 2 खा लेता, 12-13 रन पे खत्म कर जाता वो ओवर, तो आपको थोड़ा सा तो मदद मिलता। आपने मिचल को ओवर दिया 19 रन खा गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ उसके ओवर का। भाई इन दोनों के मिला के 3 ओवर में हो गए 46 रन। यहाँ पे पूरे पावर प्ले, या मैं कहूँ 10 ओवर में हाँ। 46 बनते और हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार जो तुम्हारा ग्लेन फिलिप्स है उसको क्यों छुपा के रख रखा है, उस बंदे ने इतनी सारी विकेट ले रखी है। डाला उनने 1 ओवर, एक ओवर डाला ना, तो एक ओवर नौ डलवा सकते थे एक उससे और भी, उनने भी छक्का खाया था ना, 1 9 रन हो गए थे 9 रन हो गए थे ठीक, लेकिन इतने ज्यादा रन नहीं थे ना बस, कि वही आप उसे बात एक है ओवर और नहीं डलवा सकते थे। यार। मेरे एक को बहुत ओवर, ज्यादा ना सुस्त लगी न्यूजीलैंड, मतलब लगी पता ही नहीं चला बहनचोद। वो भी खेलने आए हैं, हाँ, वो भी कुछ कुछ करने आए हैं, पहले मैच में कोई इंटेंट नहीं था भाई, कोई पहले नहीं। मैच में भी वही चीज बोलूंगा मैं, बॉलिंग से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी, 10 ओवर तक इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी चलती है, और जैसे ही 10 ओवर पार हो जाते हैं ना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, इनका पूरा चुट जाता है भाई बॉलिंग लाइनअप। लास्ट मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ यही हुआ, आज भी यही हुआ, 70 पे 7 करने के बाद अगर इन्होंने 149 रन मार खाए है हाँ ना, तो अपनी गलतियों की वजह से मैच हार रहे हैं, नहीं तो ये बना बनाया मैच था इनका, और ये भाई पॉइंट्स टेबल में आग लगा सकते थे और पूरा पॉइंट्स टेबल रद्दी कर दिया, प्योर वन साइडेड। यही एक पॉइंट्स टेबल है जो बिल्कुल शुरू से वन साइडेड चल रहा है, हाँ आपकी वेस्ट इंडीज जीते जा रही है, अफगानिस्तान जीते जा रही है, बाकी टीमें हारे जा रही है, तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। अब तो जो आग जो भाई कह रहे हैं वो तो अब न्यूजीलैंड के कैंप में ही लगी है। यार इतनी जल्दी ऐसी टीम बाहर चली जाएगी, उम्मीद तो थी यार नहीं। आप देखो ना, आपका सिर्फ एक प्लेयर, दोनों मैच में, लास्ट मैच में आपके केन सिर्फ, विलियमसन को भी तो आ गया ना चाहिए भाई। एक बात बता, तू क्या कर रहा है कप्तानी के नाम पे? कब तक अपनी उसका फैफ 4 के नाम का खाएगा भाई? अब तू इस फॉर्मेट के लिए सूट है ही नहीं। अब ये कड़वी बात लगेगी न्यूजीलैंड के फैंस को, वैसे तो उन्हें समझ में आएगी नहीं क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं, पर भाई अब वो बंदा नहीं सूट होता, मैं बोल रहा हूँ हाँ, यार, T20 का प्लेयर रह ही नहीं रहा ना नहीं यार, रह आप रहा उसका वो। आईपीएल तो उठा के देख लो, 40 में 40 मार जगह के ही कहाँ जाता बनती है। है उसकी, हाँ जगह ही नहीं बनती, लेकिन कभी कभार जैसे मिलर की जगह मौका चालीस मिला में था, चालीस क्या है हाँ ये भाई? वही तो 40 में 40 भाई, तू टी कब से ट्वेंटी बाबा, तू है बाबर आजम से मिल के आया है क्या? मतलब या तो तूने उससे भाई, हाथ मिला एक लिए। टाइम हाँ पे इसका कितना तगड़ा इंटेंट होता था, बंदा 20 बॉल में 50 रन मार के जाता था, टाइमिंग करता हाँ था, टाइमिंग करता वो था। दिखता था कि कुछ और करना भाई है। जब ये फैब 4 जैसा, जब जिसे जिस बंदे को आप फैब 4 में कंपेयर कर रहे हो ना, तो उस बंदे को उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं भाई तू तो टेस्ट का प्लेयर रह गया तो सिर्फ टेस्ट खेलना भाई, हाँ ओडीआई खेलना, ओडीआई खेल सिर्फ, हाँ T20 आई में भाई तुम्हारे पास इतने सारे प्लेयर है, औरों को मौका दो।
वही तो बात है, ग्लैन फिलिप्स ने कितना अच्छा एंड में ट्राई करा, वो तो खड़ी हो गई। जो अल्जारी जोसेफ है उसका सीजन चल रहा है। वो यार एक चीज देखो ना, अगर ग्लैन फिलिप्स को भी तो नीचे मौका मिलता है, अगर एक दो प्लेयर ऊपर से हट जाए, ठीक है रचिन रविंद्र को आप बैक करोगे, अच्छा खिलाड़ी है, उम्र है यार, उम्र है अभी उसकी, पूरी उम्र पड़ी है। फिन एलन अच्छा करके दे रहा है, डेवन कॉनवे के बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप उसे बैक करोगे क्योंकि ठीक है अच्छा कट जाता है, ठीक है। डैडली मिचेल को नहीं छोड़ सकते, ग्लैन फिलिप्स को एक ऊपर मौका मिलेगा ना थोड़ा सा और, वो आपको अच्छे खासे रन बना के देगा वहां पे। हाँ, और मिचेल सैंटनर ने भी एंड में कोशिश की पर कोई फायदा तो था नहीं, बिल्कुल धोनी वाला काम करा, जब 40 रन चाहिए तब खुद यही बोलने वाला था, जब आप मैच हार जाते हो ना तब वो जो सीएसके के प्लेयर, सीएसके के प्लेयर्स होते हैं तब छक्के मारने लगते हैं, बताओ भाई बिल्कुल प्योर वो था। और पर इंडिया के फैंस खुश होंगे क्योंकि यार न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है हमेशा इंडिया को खोदती आई है। यार ठीक है इंडिया को खोदती आई, लेकिन यार आप सुपर एट में देखो ना कि यार जो टक्कर की टीमें होती है ना वो ही नहीं मिलेगी इस बार। क्यों नहीं मिलेगी आपको? भाई ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, रुको आपको अफ्रीका मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, अफगानिस्तान को आप अगर आप हल्का समझना चाहते हो तो आप हल्का समझो भाई। नहीं नहीं मैं हल्का नहीं समझना चाह रहा, आ गई कि देखो जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना इस बार आपको वो नहीं मिलेंगे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का भी 50-50। तो बड़े नामों ने जब कुछ उखाड़ा ही नहीं तो वो डिजर्व भी नहीं करते भाई, आगे आना जो बंदे मेरिट पे आए हैं वही तो जाएंगे ना। और केन विलियमसन, और मैं इनकी मैनेजमेंट को यही कहूंगा भाई आगे सोचो, केन विलियमसन से आगे सोचो, शायद इस फॉर्मेट में कुछ निकले। ट्रेंट बोल्ट वोल्ट सऊदी कब तक तुम्हारी दुकान चलाएंगे? नए बॉलर लाओ, नई टांगे लाओ, तुम्हारे को भी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बी थिकनर है तो भाई खिलाओ ना, क्या होगा चुदोगे, पर भाई क्या नाम है वो तो बनोगे, इसी साथ वो आता रहेगा एक्सपीरियंस, अगले वर्ल्ड कप तक आ जाएगा बहुत कुछ। भाई T20 यंग टांगों का ही फॉर्मेट है तो भाई यार ये एक तो इनकी बहुत बड़ी गलती है कि ये मैचेस ही नहीं खेलते इतने, आप इसके पूरे साल के मैचेस उठा के। मेरे को ये बहुत खुश लोग लगते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात कि उन्हें कुछ नहीं है साल में, तुम उन्हें कहोगे एक टेस्ट खेलना है वो खेल लेंगे, साल में 20 कहोगे 20 खेल लेंगे, ये ना कंप्लेन करते ना कुछ। जो बंदा यार वो T20 वो 2019 के वर्ल्ड कप में वो चौका वो जो फालतू का दिया था उसके लिए नहीं लड़ा, तो यार तुम समझ सकते हो कितने काम वाले नेचर के बंदे हैं। पर बाकी 2024 वर्ल्ड कप में तो लंका लग गई, हाँ इधर तो लंका लग चुकी है, आप घर जाएंगे वापस और घर जाके लड्डू बांटो और लड्डू खाओ। बाकी इस मैच में इतना ही था, ज्यादा खुश हुआ नहीं, बस ये है कि अपसेट मिल गया एक और, बाकी मिलेंगे आपको और मैचेस में। स्टे ट्यून्ड।